शांति। आज की तारीख है 15/9/18। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा सदा कल्याणकारी हैं, परंतु उनकी कल्याण करने की विधि भी जैसे वो विचित्र है ऐसे विधि भी विचित्र है। आइए सुनते क्या विचित्रता है बाबा में। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे कालों का काल आया है, यानी धर्मराज आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म कर दो और अपनी देह से भी मोह निकाल दो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज ये बात सुना सुना कर अभ्यास कराते हैं ताकि हम अशरीरी बनकर बाबा के साथ सहज जा सके। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। उत्तर है, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं कि हे भगवान मुझे दुख की दुनिया से ले चलो। हाँ, जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तो भगवान को याद करके वो क्या कहता है कि यहाँ जी नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हमको अपने साथ घर ले चलो। मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं, लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत बजा है बहुत ही प्यारा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा भी कहते हैं कि दुरादेशी बन कर्म बंधनों को समाप्त करना है, कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार कर हल्का बन वारिस बन जाना है, कर्म योगी बन कर्म करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है, सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है सतगुरु बाबा का कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म सुकर्म और स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है, संगम युग की विशेष शक्ति वो भी साइलेंस की शक्ति है। संगम पर जितनी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं उसमें विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी साइलेंस को शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। बाबा कहते इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। बाबा कहते हैं कि शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और इस एकाग्रता से परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है जो व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। Just a click for a peaceful life.